ग्राम पंचायत धर्मपुर से उप प्रधान पद के प्रत्याशी अनिल कुमार कालरा ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम पंचायत के विकास कार्यों के लिए तैयार किया है और इसी को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। बातचीत में उन्होंने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। यही धर्मपुर से बिलोंग करता हूं। लगभग 39 साल मैंने सरकारी सेवा में बिताए हैं, बिजली बोर्ड में एज ए KW रिटायर हुआ हूं। तो इतने सालों तक यहां रहने के पश्चात मैंने ये महसूस किया कि धर्मपुर में अभी डेवलपमेंट का बहुत सारा कार्य अभी बाकी है जो नहीं हो पाया, पता नहीं किन वजहों से। तो इसके लिए मैंने एक महीना पहले ही प्रयास शुरू कर दिया था, लोगों के सुझाव लिए थे। तो मेरे पास तकरीबन 400-500 सुझाव आए हैं मोबाइल पे भी, ये कमियां हैं। तो उस समय इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था यहाँ प्रॉब्लम्स के, उसको इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने निचोड़ निकाला और 10 सूत्रीय अपना एक कार्यक्रम जनता के सामने पेश किया, जो कि ये मैंने लोगों को घर घर तक पहुँचाया भी ये प्रॉब्लम मेन धर्मपुर की है। और उसके बाद मैंने सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किया, धर्मपुर के पुराने लोग जितने भी हैं, क्योंकि मैं यहीं जमा, यहीं पला, यहीं पढ़ाई करी और लगभग सारी नौकरी यहीं से रहकर मैंने पुरानी या सोलो नहीं करी और एज ए गेस्टेड ऑफिसर मैं रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा धर्मपुर के लिए जो विशेष समस्याएं हैं जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी तो समस्या पानी की है। पानी की समस्या का ऐसा है, गिरी से हमारे लिए धर्मपुर सोलन के लिए इकट्ठी स्कीम बनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों क्या वजह है कि हमारे को धर्मपुर का जो कोटे का पानी आना चाहिए वो आज तक अभी आया ही नहीं। लोगों को वही 4-5 दिन कई बार हफ्ता हफ्ता पानी वेट करनी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे या तीसरे दिन पानी हर हालत में आना चाहिए, क्योंकि स्कीम में इतना पानी है कि धर्मपुर में तो कभी पानी कमी होनी नहीं। नंबर 2 पर जो मेरा मेन एजेंडा है, जो मैं चाहता हूँ कि टॉयलेट्स की सुविधा, यात्रियों को और दुकानदारों को इतनी प्रॉब्लम है धर्मपुर में, जब नेशनल हाईवे वालों ने टॉयलेट्स तोड़े तो कम से कम यहाँ के लोगों को चाहिए था कि वो पहले टॉयलेट बनवाते फिर तोड़ाते। अब महिलाओं को इतनी प्रॉब्लम होती है बेचारों, मैं जानता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि शोर लगा के बेचारे टॉयलेट कर रही है, जेंट्स को बुजुर्गों को इतनी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास टॉयलेट्स बनाने का ही होगा इस पंचायत के लिए। और तीसरी जो है, यहाँ की सीवरेज की व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज की व्यवस्था हालांकि हमारा बहुत अच्छे, क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल पर्सन हूँ और मुझे पता है कि यहाँ सीवरेज के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक स्लोप हर एक जगह है। तो 3-4 जगह बड़े बड़े टैंक्स बना के हम सारा सीवरेज का प्रावधान कर सकते हैं और सेफ्टी टैंकों की सारे मोहल्लों में घुस जाओ, इतनी बदबू आती है, इतना ज़्यादा, मतलब आप मोहल्ले में घुस नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा सेफ्टी टैंक हैं, सारे फट गए हैं, जगह लीक हो रहे हैं। तो उन सब की प्रॉब्लम के लिए सीवरेज 4-5 साल की स्कीम सोच रहा हूँ सरकार से डिस्कस करके स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू लाना चाहता हूँ। उसके अलावा सोलर लाइट्स होगी, स्ट्रीट लाइट्स होगी और इन सब का रख रखाव बेहतर, ताकि कोई अपराधीकरण ना हो शहर में। पार्कों का, मेरा 3 पार्कों का मेरा निर्माण है, एक जो यू टर्न बना है उसके लिए प्रयास करेंगे, एक यहाँ पे CSE के नीचे पार्क बनाना है, एक पाथू रोड पे, एक हम समय। तो ये मेरा सारा प्रावधान है कि मैं 3-4 पार्क बनाना चाहता हूँ बच्चों और उसके लिए। और इसके अलावा भी मेरे धर्मपुर के लिए बहुत सपने हैं। मैं चाहता हूँ धर्मपुर हमारा जो आसपास की पंचायतों को, कुमारटी पंचायत को देखते हैं, उन्होंने इतनी तरक्की करी है, जबकि हमारे सामने पहले पीछे वो पंचायत, तो उनको देख के मैं देखता हूँ यार, देखो लोगों में काम करने की अगर हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये एफर्ट रहेगा, पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं शहर के लिए कुछ करूँ, अपने धर्मपुर कस्बे के लिए कुछ करूँ, जहाँ मैं जमा कर रहा हूँ। इसका बहुत ऋण है हमारे पर, क्योंकि यहीं पे हम जमे पले और मैं चाहता हूँ ये शहर हमारी ऊंचाइयों को छूए। नेशनल हाईवे पे है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इतनी सारी डाइवर्शन है, आप कहीं भी चले जाओ तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे मतदाताओं से अपील करूँगा कि वो 21 तारीख को मतदान में जरूर भाग लें, क्योंकि अगर मतदान में भाग लेंगे तभी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अगर मतदान में नहीं भाग लेंगे तो आपको पूछने का भी कोई हक नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी ये सुने प्लीज़ मतदान करने जरूर आए हैं, वोट किसी को भी दें, ये नहीं अब मुझे दें, वोट किसी को भी दें, लेकिन धर्मपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमर उजाला का, DNN न्यूज़ का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना कीमती समय से थोड़े पल दिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, जय हिंद।